नमस्कार, हम बातचीत कर रहे हैं रागगिरी के वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आदरणीय पंडित सुमन घोष जी से। कल आपने इस बातचीत का पहला हिस्सा देखा था, आज देखिए इस बातचीत का दूसरा हिस्सा। आपने श्रीकांत जी से शिक्षा ली, आदरणीय श्रीकांत जी से शिक्षा ली, जो अमीर खान साहब के शिष्यों में से, सीनियर डिसाइपल्स में से थे, तो वो तजुर्बा कैसा था? और क्या ये कहा जाए कि ये जो माता पिता ने नींव रखी थी, उसमें जो शुरुआती जो फूल खिलने शुरू हुए, वो वहीं से खिलने शुरू हुए? हाँ, पंडित श्रीकांत बाकरे जी जो हमारे गुरु रहे हैं, हमारे घर आते थे। हम जमशेदपुर शहर में बसे थे बचपन में, समझे, और कलकत्ते में रहते थे। वो कलकत्ते से आ जाते थे वीकेंड को, 2-3 दिनों के लिए आ जाते थे। तो उस समय काफ़ी लोग उनके पास हमारे घर में आकर तालीम लेते थे और पूरे दिन घूम घूम के हमें तालीम देते थे। सो उनसे जो तालीम मिला हुआ था, उसकी एक अलग आस्पेक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बैठे तालीम जो देते थे वो एक होता था, लेकिन हम पूरे दिन उनका लाइफस्टाइल, उनका जो सोच विचार, वो हम ऑब्जर्व करते रहते थे। उनका एक था कि नहाते हुए बहुत देर तक बाथरूम में रहते थे और बहुत देर तक गाते थे बाथरूम में। लगता है कि बाथरूम में एक कॉन्सर्ट चल रहा है। तो हमारे घर के हम लोग जो फैमिली मेंबर्स थे, हम सब बाथरूम के बाहर एकदम बाकायदा बैठ जाते थे। सब बैठे वहाँ सुनते थे उनको। बहुत देर बाद नहा के फिर वो निकलते थे, तब तक समझ लीजिए 1.5 घंटा का कम से कम गाना हो गया है वहीं पे। सो ऐसे पूरे दिन उनको देखते थे। एक मज़ेदार घटना बताऊं उनसे। हाँ, एक सुबह को मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, हमारे घर पे आए मॉर्निंग को, ऐसे एक इतवार के दिन निकले और वापस ही आए नहीं, समझे, वापस नहीं आए। तो हम थोड़े देर में बहुत परेशान हो गए, हम छोटे थे, मेरे पिताजी माँ। अब धीरे धीरे विद्यार्थी लोग आने लगे जो उनके पास तालीम लेने वाले थे, सब बैठे हैं, उनका कोई खबर, और वो तो अपने मोबाइल का ज़माना नहीं था, हम कहाँ ढूंढे उनको। तो अब थोड़े देर में जब मेरे बाबा सोच रहे हैं कि अब पुलिस में एक एक खबर दें, तब एक फ़ोन आया लैंडलाइन पर कि पंडित श्रीकांत बाकरे जी आपके घर ठहरे हैं। हाँ बिल्कुल ठहरे हैं, लेकिन है नहीं इस वक्त, आप कैसे जाने हैं, आप हैं कौन? तो कह लिया आप चिंता मत करिए, मेरा नाम ये है, वो मेरे पास है, मैं थोड़े देर में उनको लेकर आता हूँ पंडित जी को। हुआ क्या, पार्क में या कहीं पे रास्ते में टहलते हुए एक व्यक्ति उनको पहचाने, आके पैर छुए, बातचीत शुरू किए, तो उनके साथ चलते 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 उनके घर तक चले गए। वहाँ जाकर चाय पीकर कहे कि भैया तानपुरा वगैरह हाँ है ना, रियाज शुरू कर दिए बैठे। अब वहीं बैठे सब जम गए, भूल गए कि और कहीं कुछ है। सो इनको लगा बीच में कि पंडित जी आप जहाँ ठहरे हैं उनको कुछ खबर, हाँ इसे बता दीजिए कि हम आपके पास हैं। तो उन्होंने उनसे नंबर लेकर हमें खबर दिया, शाम तक आ गए, मतलब 4-5 बजे तक आ गए। तो ऐसे मिजाज के थे, बहुत अच्छे अच्छे सारे घटनाएं हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा दिन वो हमारे पास नहीं थे, खूब कम उम्र में चल बसे। फिर उसके बाद आप पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी ने भी आपको आशीर्वाद दिया बतौर गुरु। तो जब हम सभी गुरुओं पर बात कर रहे हैं तो उनके बारे में भी बताइए, उनकी शिक्षा दीक्षा किस तरह से आपको, जो आज एक कलाकार के तौर पर जो आपको पहचान मिली है, जो सम्मान मिला है, जो प्यार मिला है, उसमें उनकी शिक्षा दीक्षा का कितना रोल है? ये तो मेरे जो जिंदगी में मेरे मेंटर कहें या मार्गदर्शक कहें, जो भी कहें, सब कुछ जिनके बदौलत खड़े हैं, संगीत मार्तन पंडित जसराज जी, वो खुद कहते थे मुझे कि बेटा उन्होंने ऐसा तुम्हें ऐसा तैयार कर दिया है कि मेरा काम आसान हो गया, ऐसे कहते थे। बहुत बड़प्पन थे उनमें, बहुत ही। और ज्ञान बाबूजी के डेथ के बाद, देहांत के बाद,
हम कलकत्ता गए थे कुछ प्रोग्राम प्रोग्राम के लिए, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मुझे ले चला वहाँ। सो वहाँ ले गए उनके घर बैठे, और उनके घर बैठे मुझे अभी भी याद है, वहाँ मुझे सबके सामने कहें कि बेटा एक बात जान के रखो, बहुत भाग्यवान हो कि ऐसे व्यक्ति ऐसे गुरु के पास तालीम तुम्हें मिला है जो कि इस सेंचुरी का एक अव्वल नंबर में गिने जाते हैं और हिस्ट्री में गिने जाते हैं, यही उनकी जगह है। ज्ञान बाबू जी ने मुझे करीबन 13 साल मिनिमम मुझे तालीम दिया, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही लगन के साथ। और वो कैसे थे ना, वो परफॉर्मर आर्टिस्ट नहीं थे, वैसे देखें तो परफॉर्मेंस देते रहते थे, लेकिन वो ज्ञानी थे, वो संत थे। वो अगर बैठ के दो सेंटेंस आपसे शेयर करें, वो दोनों सेंटेंस आपकी ज़िंदगी के एंड तक आप भूल नहीं पाएंगे, और हर मोड़ पे ज़िंदगी में उसका नया नया अर्थ आपको दिखने लगेगा। ऐसे व्यक्ति थे। सो उस समय जो जो कहते थे, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि उसको फेस वैल्यू पे ही समझ पाए एक सेंटेंस को। अब जितना दिन जा रहा है, थोड़ा 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 दिखने लगा, और उसी के बदौलत संगीत में खड़े हैं, जो भी है। अच्छा पंडित जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसा मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि मुझे हमेशा ये लगता है कि जसराज जी का आशीर्वाद एक गुरु के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर हमारी भी मुहिम के साथ रहा है, और मुझे सौभाग्य मिला है उनका इंटरव्यू करने का, उनसे बातचीत करने का। मैं अगर आपसे और उनकी उनकी कुछ ऐसे शौक, जैसे क्रिकेट उनका ऐसा शौक था कि वो वहां से भी यूएस में रह के भी अपडेट पूछते रहते थे। राहुल द्रविड़ को ड्रॉप किया गया तो उन्होंने सीएम को फोन कर दिया, ऐसे तमाम किस्से आपको याद होंगे उनके। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक कलाकार के तौर पर भी नहीं और एक गुरु के तौर पर भी नहीं, एक इंसान के तौर पर अगर आप जसराज जी को आज याद करते हैं तो कौन सी बड़ी बातें आपको याद आती हैं? वाह वाह वाह, खूब अच्छा लग रहा है शिवेंद्र जी से आपसे बातचीत करने की, बहुत मजा आ रहा है। गुरु जी का एक होते हैं ना कि बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े कलाकार एकदम दुनिया जिनको पूछते हैं, लेकिन एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, वैल्यूज कहिए, सोच विचार कहिए, देश प्रेम कहिए, इस सब में उनके पास केवल इसी के लिए शिष्य बनना ही इनफ, संगीत तक पहुंच ही ना पाए कोई, यही केवल सीखने के लिए उनके पास जाए कि कैसा सोच विचार इंसान का होने चाहिए। मैं आपसे बताऊं, देश के प्रति जो उनका प्यार, मतलब रात रात जग के, जब कभी तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट घटना भारत भूमि में या भारत का या कुछ ऐसा घट रहा हो, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, हाँ कोई भी इम्पोर्टेंट, जगह बैठे रहते पूरे देखते, और हमें ऐसे ऐसे अजीब समय पे फ़ोन घुमा के, क्या सोए तो, मैंने कहा मैं भी देख रहा हूँ, बोले हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे ना देखोगे, वैसा हो ही नहीं सकता है। और फिर लंबी चर्चा उस पर, इमोशनल चर्चा। हाँ एक घटना का ही केवल इसमें जिक्र कर रहा हूँ, वो मैं बताऊँ। नेताजी सुभाष बोस, ठीक है, अब नेताजी सुभाष बोस की कहानी सभी को पता है कि एंड क्या हुआ कोई स्पष्ट तक इन्हीं को पता नहीं है। हाल ही में एक मूवी उनके ऊपर आया था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मूवी रहा, उसमें कईयों ने कहा कि ये ऐसा है, कोई कहा कि नहीं है, मुझे देखकर खूब अच्छा लगा, समझे, तो मैंने उनसे कहा कि ये आप मुझे, तो बेटा दिखाओ मुझे, तो हमने बताया ऐसे ऐसे देखें, तो उन्होंने देखा, देखकर उस वक्त अमेरिका में ही थे, न्यूयॉर्क एरिया में, मुझे फ़ोन किया, और हम लोग वीडियो कॉल में ज़्यादातर बातें करते थे ताकि देख भी पाए एक दूसरे को। तो कॉल लगा के ना, वो भी चुप बैठे हैं, मैं भी चुप बैठा हूं, समय बहता जा रहा है, कुछ नहीं कह रहे, केवल उन्होंने फोन लगा के मुझसे कहा अभी अभी मूवी देखी, चुप बैठे हैं, और इतना दुखी नजर आ रहे थे। जो जो बातें उन्होंने की बाद में चल के, खूब छोटे छोटे सेंटेंसेस में,
लेकिन मुझे दिखा कि ये बात उनको कितना इफेक्ट किया होगा, कितना इफेक्ट किया। तो कम से कम 10-15 मिनट हम लोग चुप फोन पे बैठे हैं। हाँ, सो अमेजिंग पर्सन थे बहुत सारे चीज़ों में, और प्यार देने में, हर इंसान को नज़दीक खींच के लाने में। अच्छा, एक गुण की बात बताऊँ, गुरु के बारे में कहने लगे तो दिन रात बीत जाए ना समय कम पड़ जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर उनके ज़िंदगी में कभी भी एक भूमिका निभाए हो, मानो जब उनके उनका उम्र 10 साल रहा हो, 20 साल रहा हो, और फिर वो लाइफ से होते हैं ना कि एक एक व्यक्ति का फेस समाप्त हो जाता है, हो गया होगा, वो कभी भूले नहीं, कभी भूलते नहीं थे, उतने ही याद उनके दिल में वो ताज़े रहे हैं। और मौका मिले तो जिस शहर में वो व्यक्ति रहते हैं या उनके फैमिली, उनके बच्चे वहाँ गए, तो वहाँ उन लोगों से मिलकर दो बातें करके, उनके सुख दुख का खबर लेकर, कम से कम फ़ोन लगाकर फिर निकलते थे उस शहर से। हम लोग ताज्जुब हो जाते थे कि ये है कौन, हम तो कभी इनका नाम ही सुन नहीं। बेटा एक बार ऐसा हुआ था, कब, ऐसे कुछ 35-40 साल पहले की बात है, ऐसे व्यक्ति। अच्छा दादा, मैं जब इंटरव्यू करने के पहले कुछ अपने दोस्तों से जिक्र कर रहा था, और मैंने बताया कि बहुत सुबह सुबह मुझे पंडित जी से बात करने का मौका मिलेगा, तो मुझे एक सवाल सुझाया गया कि आपसे हवेली संगीत पर जरूर बातचीत की जाए। तो मुझे लगा कि मैं पूछूं आपसे कि, क्योंकि ख्याल गायकी पर हम अक्सर बातचीत करते हैं अपने मेहमानों से, उपशास्त्रीय संगीत पर भी हम बहुत सारी बातचीत कर चुके हैं, ध्रुपद पे कर चुके हैं, ये एक ऐसा पक्ष है जिसपे बहुत डिटेल में बातचीत नहीं हुई है, तो जो आप थोड़ा बहुत बताना चाहें हवेली संगीत के बारे में और उससे आपका जो जुड़ाव है उसके बारे में, तो थोड़ा सा और हम एनरिच होंगे, थोड़ा सा और हमारी जानकारी बढ़ेगी संगीत के बारे में। मैं इस सवाल के साथ जोड़ लेना चाहता हूं कि हमारे घर में, हमारे घराने में संगीत को किस नज़रिया से देखा जाता है। यहाँ ना कोई कसरत के तौर पे नहीं देखा जाता है, ये पूजा है। यहाँ ऊपर वाले को हम समर्पण करते हैं पूरा का पूरा, जो भी गाते हैं, जो भी रियाज करते हैं, जो भी है। सो हवेली संगीत उसका बड़ा एक लॉजिकल कंक्लूजन कहूँ या जो है वो जैसा हो गया। इसका पूरा श्रेय गुरुजी को है, संगीत मातरन पंडित जसराज जी को। उन्होंने एक संत ने उनको प्रोत्साहन दिया था कि पंडित जी आपको इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपसे दुनिया को ये बहुत कुछ मिलने वाला है इस फील्ड में। तो फिर उन्होंने रिसर्च शुरू की इसके लिटरेचर पर एंड ऑल, फिर कंपोज करने लगे, गाने लगे। तो जिनके अंदर ये भक्ति रहता है, वो जब दो सुर लगाते हैं ना, तो सुनने वालों को लगता है कि ईश्वर दर्शन शायद ऐसा ही होता होगा। तो उनके कॉन्सर्ट्स में लोगों को ऐसा ही होता रहता था, और अब और भी ज़्यादा होने लग रहा कि उनके हर कॉन्सर्ट के बाद लोग कहते थे, मैंने कितनों से सुना है, हमें भी लगा कि जब वो गा रहे हैं, जिनको सोच के गा रहे थे, जिनके शब्द गा रहे थे, लिरिक्स जिन पे, जैसे वो वहीं पे खड़े थे, आए थे, ऐसा लगा। सो हवेली संगीत की एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड तो ज़रूर है कि एक मुश्किल घड़ी में जब लोगों ने थोड़ा सा इनसिक्योर फील किया अपने भगवान को मंदिर में बिठाए रखने में, तो वहाँ से ले गए, ले के अपने हवेली में बसा दिया, उस इलाके के सबसे संपन्न जो लोग थे उनके घर पे लगाया। अब जब भगवान आ गए हैं तो अब अपना नहीं रहा, अब उन्हीं का हवेली बन गया। सर अब शाम को सब मिलते, सभी का मिलकर गाना बजाना, पूजा पाठ, और अच्छे अच्छे रचयिता उस समय उनका योगदान हो गए, तो अच्छे अच्छे अपने कीर्तन बने, अच्छे अच्छे पद बने, वो सब धीरे धीरे, और सारे के सारे राग बेस्ड। हवेली संगीत डिवोशनल है, इसका मतलब नहीं कि क्लासिकल राग्स पे आधारित है, बट लिबर्टी ले सकते हैं कहीं भी, नहीं, मोस्टली प्योर राग पर आधारित सारे। सो ये कहते हुए मुझे एक बात याद आता है कि शास्त्रीय संगीत हमारी जो है ना, वो मूलतः भारतीय शास्त्रीय संगीत ईश्वर को सोच के ही किया जाता है, गाया बजाया जाता है पहला, क्योंकि हमारे पुराने हजारों साल पुराने जो शास्त्र है उसमें कहता था कि हमारे संगीत
डिवाइन एंटरटेनमेंट के लिए है, वर्ल्डली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। सो ये बात अभी भी सत्य है। थ्रू हवेली संगीत गुरुजी ने उसको बियॉन्ड एनी डाउट्स एस्टैब्लिश करके छोड़ दिया है, ऐसा ऐसी वाली बात। जसुमति जन्म पत्रिका पाई, जसुमति जन्म, जसुमति जन्म पत्रिका पाई, भक्तन के सुख बधाई आज नंद घर।
बहुत बधाई आज नंद घर नंद घर घर बहुत बधाई। दादा एक सवाल जो मैंने बचा के रखा था, सवाल हालांकि आपके बचपन का था लेकिन बचा के इसलिए रखा था क्योंकि उससे उसके बाद मेरा उस सवाल के साथ एक लालच भी आएगा साथ में अटैच हुआ। तो सवाल तो ये है कि मैंने पढ़ा कि आप जब 10-12 साल की उम्र में थे तो आपने ऑल इंडिया रेडियो में कोई 3 अलग अलग जॉनर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था और यंगेस्ट एवर यानी सबसे कम उम्र में वहां पर आप जीत के आए थे। वो घटना क्या थी और अब उसको याद करते हैं तो क्या याद आता है? कितने अपरिपक्व थे, परिपक्व थे, शैतानी करते थे, दिमाग में क्या था, कैसे क्या कुछ याद आता है 10-12 साल की उम्र का? एक आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता हुआ करता था, अभी भी होता होगा, तो उसमें ये 3 सब्जेक्ट में, ख्याल में, ठुमरी में और भजन में, मैं तीनों में अवार्ड जीता था। तो उसके बदौलत इन तीनों सब्जेक्ट्स में मेरा आर्टिस्टशिप ऑटोमेटिकली बन गया, ठीक है। सो तीनों में घुमा फिरा के वो लोग मुझे बुलाते थे, प्रोग्राम दिलाते थे। अब ये स्कूल में पढ़ते हुए हुए, लेकिन बाद में जब मैं हायर स्टडीज़ के लिए कलकत्ता गया उस समय कलकत्ता रेडियो में आर्टिस्टशिप ट्रांसफ़र हो गया। तो वहाँ पे एक मज़ेदार घटना है कि मुझे भजनों में सबसे ज़्यादा बुलावा आता था, काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता था, उतना भजन ही मैं नहीं जानता था। अब कितना रिपीट करें, बड़ा मुश्किल में आ गए। तो फिर अब भजनों का लिरिक्स सब इकट्ठा करके खुद कंपोज करने लगे। तो मेरे कई भजन्स हैं जो उसी कॉलेज के समय के कंपोज किए हुए हैं, मैं अभी भी गाता हूँ। और हाँ, बचपन में रेडियो में जाने का, कभी कभी रिकॉर्डिंग के बाद एक कोई वरिष्ठ कलाकार नेक्स्ट स्टूडियो में शायद रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सुना उन्होंने, आकर मुझे चॉकलेट हाथ में थमा दिए, कहे कि बहुत अच्छा गाय बेटा ये खाना, ऐसा होता था। लाख जतन करो तू।
पंडित सुमन घोष जी के साथ हम ये लंबी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है और उन्हें उनसे बातचीत करना एक पूरी की पूरी परंपरा को समझने जैसा है। इस बातचीत में एक बार फिर अभी एक ब्रेक लेते हैं। कल रात 10 बजे देखिए इस बातचीत का तीसरा और आखिरी हिस्सा।